अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारी सुपे अवामी अदालत यहाँ ज़ुहैब ज़रदारी व्यूज़ अज पहरी मई आए पहरी मई के सजी दुनिया में पोरेतन जो आलमी दी करे मल्हायो वेंदो आए। शिकागो जे शहीदन जे नाले से ही मनसूब है दिहाड़ो। शिकागो में पोरेतन पंजे हक लाए तमाम वड़ी जदोजहद कई, कुर्बानियों दई पंजा मुतालबा मंजराया हुआ, जैखा पे सजी दुनिया में पहरी मई के पोरेतन जो ढी कर मल्हायो वेंदो आए। तो वो साग्यो नमूने जो ढी है वो सिंध में मल्हाइबो है, पर मौजूदा जो हालतों हैं लॉकडाउन की सूरत हाल है इन जो भी जान जायज़ वा तो पे मई तो आई है, पर सागे वक्त सिंध में लॉकडाउन भी है कोरोना वायरस के कर लॉकडाउन के करो सब का तबको मुतासर थो है वो मजदूर तबको है। दिहाड़ी वा मजदूर आन जो रेड़ी हलन था, रिक्शा हलन था, गडन गाड़ो हलन था, तो जेके पोरियत आन उ तमाम घणो मुतासर थे, मुकम्मल तौर से बेरोजगार थी घर में वेठल आन। जैसे तो कुछ जो मजदूर आज कंस्ट्रक्शन जो कम था वो खुलो है, तेकर गर्मी के ढीन में भी उत पे पेट की बाह हुजन के लिए उन निटण उस में कम कर रहा है। जे भी मजदूर कम कन पाया उ उन कोई मास्क पातल है, न कोई उनके ग्लव्स हैं, न कोई उन्होंने सैनिटाइजर आन, बस उ इलाज के आसरे में कम कर रहा है। हुकूमती सतह से भी इन पोरेतन के कें किस्म जो कड़ी सहूलतूँ या जो बचाव के लिए शूं न दिन व्यून ना ही वही जो मूँ जिन जिन जो कम है जो हुकूमत ये चाहिए जो भी मूँ जो घर ठहराई या जो भी दुकानदार दुकान खोलि तो उत या जो फैक्ट्री खुली उनमें जो कम कड़ मजदूर आन उन्होंने ये बचाव जो समूरी शूं भी प्रोवाइड कई वेंदू। सिंध हुकूमत की SOP है उन अमल किया वो, पर वो भी असें किथे भी नज़र को अचे। हालत यह है तो जैसे उ दुकान जो किराना जो दुकान मेडिकल स्टोर खीर वारा या बिहार जो दुकान जिन इजाज़त मिलल है उत भी SOP अमल न पो थे। मू उ वही रश में कतारों में बीठल जैसे 3-6 फुट जो मुफासिलो भी रखो है, पर कें भी किस्म जो मुफासिलो नजर पे अचे। तो उत जिते उ दुकानदार उनको SOP अमल न पाया कन अड़ी रीत जो बिहार मजदूर आन उ फुटपाथ से वही इन कतारों में वे मेड़ से बेरोजगार वेठा वे इन इंतजार में वेठा तो उन्होंने का अज मजदूरी लगे। इतने इन वक्त अस नवाबशाह में मौजूद आयु इतने पोरे तबको तमाम घणो रहे तो हे ज़िलो इनताई सिंध में अहमियत रखे तो, पर सूरत हाल इतने भी मजदूर से सागा मसला जे सिंध के बेन ज़िलों में पोरेतन से इतने भी पोरेतन के उ हक नथा मिलन, इतने पोरेतन के उ उजरत नी मिले जहाँ उन्होंने मिलन खपे। सरकार की तरफा जहाँ घट में घट उजरत रखी वही है वह भी इतने मजदूर के नी दिनी वे बो तो वही दुकानदार दुकानदार बंद दुकान सदी इन सदी सिंध में बंद है, तो उन दुकान से भी खड़ी दुकानदार मालिक होंद है, बाकी उनते 4-5 पोरेत कम कह तो उ समूरा पोरेत भी बेरोजगार थी घर में वेठल आन। इन हवाले से सिंध हुकूमत यो ऐलान हो तो पेरी पेरी जो दिहाड़ी वा मजदूर आन उन राशन पहुँचाया वो जो भी असूँ था पाया अना तई उ रड़ अचे थी पी तो वो राशन उन पोरेतन तीन न पोतो है, जैसे कर पोरेत बुख काटने मजबूर आन। सागे वक्त वही जो ये वजीर आजम की तरफा कैश जो फंड हुए वो भी काफ़ी पोरेतन के अना तई न मिली सको है, जैसे कर वो पोरेत तबको जो इन लॉकडाउन के सब का मुतासर थो है वो सब का अना भी भोगे तो पे उन न सही माना में राशन मिली सको है, न ही उन सही माना में वो जो एमरजेंसी रिलीफ फंड है वो मिली सको है। अजो के प्रोग्राम में असा इन मजदूर के दिहाड़े के हवाले से मजदूर से ही गाल्ब कहीं लॉकडाउन के दौरान मजदूर कड़ी तकलीफ के मुँह दई रहा कड़ी परेशानी के मुँह दई रहा उनके कड़ा मसला उन इन लॉकडाउन की सूरत हाल में मजदूर जहाँ कड़ा मुतालबा ये अस अजो के पे प्रोग्राम में रखा। नवाबशाह के रीगल चौक से मौजूद आयू इतने भी मजदूर परेशान वेठा दिहाड़ीदार मजदूर आन लॉकडाउन के कर जिते सब का मू जो मुतासर थे उ मजदूर थे खास तौर से दिहाड़ी वा मजदूर आन या वो उ मजदूर जो मुख्तलिफ़ दुकान से कम कह या वरी बिहार जो मुख्तलिफ़ शोबा उनसा वागल जो भी मजदूर आन उ तकरीबन 95% का मुतासर थी बेरोजगार थे वेठा इन लाई राशन जो भी ऐलान किया वो इन लाइ वजीर आजम की तरफा पैसों जो भी ऐलान किया तो असं इतने मजदूर से गाल्बोल कंदी उन्होंने मौजूदा सूरत हाल है जो लॉकडाउन की उनमें कि गुजारो पाया कन कि उनको गुजर सफर पो थे तो तुम बुधा तो कड़ी परेशानियों के 2 महीना थारा लॉकडाउन के मुसलसल पूरा 2 महीना थी लॉकडाउन के सही
न मजदूरी आ न राशन आ। राशन के लिए अस वियासीं प्रेस क्लब से इतने दाऊँ कूकू क्यूंसूँ केर भी बुधवारो को न को राशन ही मिलो ये रोज अलग केतरा कटा पेक था थन अलग केडा वन बुधे न सही हाँ या तो लॉकडाउन खत्म किया वे तो असानी रोजी खुले असं पोरेत मू पोरियो क्यों बचा था थूँ बच्चा असा भुख्या रोज दाहूँ पैदा कर कड़ी मजदूरी कह सही सिर तगारी की खोटाई हो भराई होसारी हो पाबंदी हुकूमत हटा छी सही पाबंदी कर छी जन तो हिंसर अस कड़ा वो केर भी को वन अचे अस मजबूर आयो इत वेठा हिंसर भी तया तगों वरी भी अस अर्ज क्यूँ था तो असाज ला कुछ न कुछ वे रोजी खोली वे या लॉकडाउन खोलो वे भला शहर खोलन तो असी का रोजी क्यों या को पैसो दियन राशन दियन कुछ भी को दियन केर बुधवारो भी को क्यों मजबूरी आधा तो राशन या इमदाद जो ऐलान थे तो वो कुछ मिलो अस गवर्नमेंट जो राशन कें को न को अस मजूरी मिले थी इतने पुलिस वा भजाए था छीन अस गरीब मजदूर केडा वो ब महीना थी सही लॉकडाउन के सही आई सही वजीर आजम से अपील था क्यों असाई राशन मिलो वे अस मजूर गरीब हूँ सठ सत्तर अस्सी मजूरी इंदा चौंक से सुबह का शाम ते वे वे हलिया वेंदा केर सही अस पुछे को जिलो नवाब शाह ही अस केर वठण को अचे सब को चे तो भाई कोरोना वायरस आने केर अचे ही को अस वजीर आजम के अपील था क्यों न को अस राशन मिलो न कोई बारह बारह हजार जो आया गरीबन जहाँ ये भी को मिलान ऐलान किया मजदूर के लिए दिहाड़ी वा हिंसर तू बुधा अस परेशान लगा पाँ हिंसर गरीब मजदूर छा करे छा खायूं समझ में गाल नी अचे अस गरीब मजदूर हूँ जे कदे लॉकडाउन न खत्म थो अस गरीब मजदूर मानू खुदकुशी करण से मजबूर थी वासूँ तबर है अज मजदूर जो आलमी ढी है तबर है तक हक कड़ा है सही अस खबर है पर हुकूमत अस मजदूर के अस हक दिनो न सही अस केर भी को दे न को जी ब महीना थी अस दिहाड़ी को लगे छह सौ दिहाड़ी अस चवन टे सौ से हलो ब सौ से हलो हाँ सही अस गरीब मूँ क्यों सही सुबह गाड़ी सही केर अचे ही को वेही वेही हलिया था वनो हाँ सही अस वजीर आजम के अपील था क्यों अस दिहाड़ी कमायूँ दिहाड़ी खायूँ सही ब महीना थी सही वेठा हूँ रगल चौंक से सही केर अचे को वन लाइ सब को चवन था भाव को वारिस केर अचे को सही अस वजीर आजम के अपील था क्यों अस राशन न दिनों सही होद प्रेस क्लब से वह उत भी असें लठू हणी कटी अन इतने अचू इतने असें ना चलिए अस के वो गरीब मजदूर सही मजबूर खुदकुशी इतने हाँ क्यों केडा वो सही जे बारह बारह हजार गरीब वो भी को मिलिया मजूर मजदूर मूँ रिगल चौक से पीड़ी थे मजदूर सुबह का वही वेही वेही वो तो मजूरी आए को ये जो पैसा आया इमरान खान वा ये भी को मिलान अस गरीब मूँ बेरोजगार वेठा हाँ क्यों कमकार आए को अच्छा मतलब पाकिस्तान जो आइन है कानून वो मजदूर के कुछ हक दे तो खबर है तो हक कड़ा हक मिलन था जी न को मिले हक सही खबर ना दिहाड़ी घनी दिहाड़ी यो पांच सौ छह सौ रुपये दिहाड़ी जैसे तक कानून चे तो साढ़ा सत्रह हजार घट में घट तुम महीने के थन खन पर ये तो जैसे पांच सौ पंद्रह हजार न सही पांच सौ भी बस ये वो मुश्किल से पांच सौ रुपये दिहाड़ी दियन था कम आए को बस ये वेही वेही बस ये वनू था खाली कल भी कम को लगो अज भी ये वेही वेही बस ये मोटी था जी जी कम कार आए को बेरोजगार वेठा हूँ तो हाँ गुजारो कें पे इमदाद भी न मिली है राशन भी न मिलो है जो पैसा है उ न मिलिया है तो गुजारो कें पे कर मजदूरी भी बंद बस मजदूरी बंद भाई सही परेशान वेठा लॉकडाउन तो सही है लॉकडाउन जो लॉकडाउन सब नांग दिलाय मिट्टी खाईंदी मजदूर मूँ बच्चन से बचड़े वाल मूँ बच्चन रोजी भी खपे ना बेरोजगार कम आए को सही अली अकबर जमाली गोठ में अस वेठा हूँ उनकी गोठ में अचे तो राशन असे ही को मटन के दे तो असो ही ना जी अस अजो के प्रोग्राम में तुम्हें लेबर डे के हवा से आगाह पा क्यों मजदूर की हालत है खास तौर से सिंध के अंदर इन लॉकडाउन के दौरान मजदूर जो तबको है वो तमाम घो मुतासर थो है मुसलसल बेरोजगार वेठो है उन मुआशी जो बदहाली जो शिकार है इनते ही प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रखा ब्रेक जो वक्त ब्रेक का पूरी वेलकम बैक नाजरीन अस नवाब शाह की मोबाइल मार्केट में मौजूद आयु इतने जिते पा लेबर डे की गाल पा क्यों पुरेतन के बेरोजगार थे उनके मुआशी परेशानी की गाल पा क्यों लॉकडाउन के दौरान त नवाब शाह की जी हि मोबाइल मार्केट है तमाम वही मार्केट है इतने भी एक दुकान से चार का पंज
मानू जो वे मजदूरी कन पोरियत हूँ जो उन्हें कम कंदा तो तकरीबन 250 से 300 मोबाइल शॉप्स हैं सिर्फ नवाबशाह शहर के अंदर ही उनते 1500 के लगभग जो वे मानू मजदूरी कंदा जी इन लॉकडाउन के करे मुसलसल बेरोजगार हैं माशी परेशानी के मोहने रहा छाकाण तमाम वो कारोबार थे तो मोबाइल जो उते न सिर्फ मोबाइल जो शॉप्स बंद हैं जिन्हें करे खुद मोबाइल के दुकान जा मालिक भी परेशान हैं उन दुकान से कम कंदड़ पोरियत भी परेशान हैं। इन वक्त असा राशिद अली कुरैशी मोबाइल जो एसोसिएशन है उनको सदर है उनसा गाल बोल कंदासी पुछंदासी तो कड़े नमूने से वो इन मौजूदा हालतों में लॉकडाउन के फेस कर रहे हैं। राशिद भाई बताइएगा कि क्या सूरत हाल है आपके हवाले से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जहां पर सारे कारोबार मुतासर हुए हैं तो आपका भी कारोबार मुतासर हुआ है, जबकि बहुत ज़्यादा सेल होती है और आपके साथ बहुत ज़्यादा लेबर काम करती है पूरे मोबाइल पर, तो किस तरह आप बताएंगे कि कितना बड़ा मुआशी परेशानी का सामना है आपको भी और आपके पास काम करने वाले तमाम मज़दूरों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले आवाज़ टीवी वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक अहम मौजू को आज आप लोगों ने हमें हाईलाइट करने का मौका दिया। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि नवाबशाह में मोबाइल की शॉप तकरीबन 200-250 शॉप हैं और एक एक शॉप पे तकरीबन 5 से 7 आदमी काम करते हैं। तकरीबन ये 1000 के करीब लोग हैं हमारे हैं जो बेरोज़गार हुए फिर हैं और अब और हम लोगों ने दुकानदारों ने तो किसी भी लेबर की किसी मजदूर की कोई भी सैलरी नहीं रोकी है, लेकिन 18 तारीख से पिछले महीने की 18 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं अपने घर पर और अब तो सफ़ेदपोश लोगों का हमारा यह हाल हो चुका है कि अब तो हम लेन देन कर रहे हैं उधार में, अब हमारे पास उधार के देने के लिए भी नहीं कुछ रहा। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से वज़ीर आला सिंध साहब से अपील है, खुदा रहा कुछ सोचें। आप हमेशा हमें 2-4 दिन का फिर लॉलीपॉप दे देते हैं कि ऐसी SOP बना रहे हैं कि हम अपना आपको कारोबार शुरू करेंगे फिर 2-4 दिन निकल जाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको कोई बोर्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे, हम आपके दुकानदार हैं जो आप लोगों का साथ देंगे इंशाल्लाह। और मैं ये भी बता दूँ कि मेरा ख्याल है कि में सबसे ज़्यादा टैक्स भी अदा किया जाता है मोबाइल वाले। आप ये बताएं कि एक कोई बंदा आईफोन लेने के लिए आ जाता है तो 40-50 हज़ार रुपये उसका PTA टैक्स लेती है। अगर ये कारोबार बंद हो गया तो आप लोगों को भी नुकसान है। आप मेहरबानी करें इस बिज़नेस को खुलवाएं, अगर कोई है SOP तो हम उसको भी फॉलो करेंगे, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि आप SOP दे तो रहे हम लोगों के लिए, क्या दूसरी जगह SOP का उसका लागू नहीं है? करियाने की शॉप पर चले जाएँ या सब्ज़ी मंडी चले जाएँ, या मैं अभी ट्रैफिक में था जाम था कि वहाँ चले जाएँ, वहाँ कोई SOP नहीं है। आप हमें हमेशा 4-5 दिन के बाद कहते हैं ठीक है जी कोई ऐसी स्कीम बना रहे हैं कि आप लोगों के लिए करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अब चूंकि यकम में भी आ रहे, आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे कितने बेचारे ये मजदूर हैं, ये बेचारे इस आसरे पे इधर आए हुए हैं कि अल्लाह करे कि अभी हमें कोई ऑर्डर मिले कि हम अपना कारोबार शुरू कर दें, लेकिन अफसोस हमें रोज़ कोई ना कोई लॉलीपॉप और या फिर पुलिस वाले आके ये बेचारे टैक्स देने वाले लोग हैं इनको आके बेइज्जत कर देते हैं, जाओ अपने घर जाओ, ऐसे करें मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब थेड़ देते हैं इस तरीके से कि जाएं। मुझे एक बताइएगा कि आप जिस तरह करेंगे आप SOP पे अमल करेंगे, मैंने भी नवाबशाह में देखा है बल्कि पूरे सिंध का यही हाल है कि SOP पे जो भी शॉप्स खुले हुए हैं उन पे अमल नहीं हो रहा, मेडिकल स्टोर्स किराना शॉप वहाँ पर रश लगा हुआ है वहाँ पर नहीं हो रहा। आपके पास सूरत हाल ये है कि आपके तो बिल्कुल छोटी छोटी दुकानें हैं और एक एक साथ बिल्कुल एक एक मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, तो वहाँ तो SOP पे अमल करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो किस तरह अमल करेंगे आप इसमें? देखें अगर गवर्नमेंट हमसे बताए ना कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के किस किस्म के सिंपली ये कि 3 से 6 फुट का फासला है वो आप कैसे मैनेज करें? नहीं हमारी शॉप बड़ी है, एक शॉप के हमारी अगर 20 फुट की शॉप है तो 5 फुट के पर 1-2 काउंटर रखे हुए हैं, उस हिसाब से हम कस्टमर को आने से अंदर आने से पहले सैनिटाइज़र कराएंगे और हमारे अपने लड़के मास्क लगाएंगे और सब कुछ करेंगे हम। आप हमें कोई पॉलिसी तो दें खोलने के लिए बिजनेस करने के लिए, हमें भिखारी मत बनाएं, हमें ऐसा काम ना करें कि हमें ना आप लोगों से इमदाद मांगे। अभी भी मैं आपसे लोगों से इमदाद नहीं मांगता, मैं बोलता हूं कि हम पिछले 2.5 महीने से घर पर बैठे हुए हैं, आप लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं राशन दे रहे हैं। ये दिहाड़ीदार बंदे के लिए आपने राशन की कहानी शुरू की है। आप बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए बिजनेस को ऊपर लाने के लिए आप खुदारा कुछ करें। अगर हम कोई बिजनेस करेंगे आपको टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट भी इसमें जिंदा रहती है, दुकानदार भी जिंदा रहता है, एक आम आदमी भी उससे जिंदा रहता है, लेकिन अफसोस के कुछ भी नहीं किया जा रहा, सिर्फ ये किया जा रहा है कि हम है ना राशन देंगे। वो भाई राशन से काम नहीं चलेगा, अब दवाइयाँ भी चाहिए, अपनी ईद सर पर आ गई, कपड़े लत्ते भी चाहिए, स्कूल की फीस है, सब कुछ चाहिए, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप सिर्फ हमें ये कह रहे हैं हम SOP बना रहे हैं, खुदारा ऐसा ना करें, हमें भीख मांगने में मजबूर ना करें। और मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि छोटे दुकानदारों का सोचें, छोटे दुकानदार
जो कि इस काम के अपना सब कुछ खा चुके हैं। और मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि आइंदा चंद दिनों में ये छोटे दुकानदार ख़त्म ही ना हो जाएं, छोटे कारोबार, क्योंकि छोटे कारोबार के पास जो सरमाया था वो सरमाया सारा तकरीबन ख़त्म हो गया। अब मुझे बताएं वो मैदान में कारोबार करने के लिए किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से आएंगे कि बिजनेस करने के लिए अपना पैसा लेके, पैसे तो नहीं है। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि आप छोटे कर्जे दें इन्हें बिला सूद के, ताकि ये अपना बिजनेस रन कर सकें, ताकि ये भी इस माशरे में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आइंदा आने वाले, अब मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि चोरियाँ होने लगी, लोग छीना छानी शुरू कर दी, क्योंकि किसी के पास कुछ भी नहीं है। अब अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ये हालात हो जाएंगे। लिहाजा कोई बैठे, आप ताजिरों को एतमाद में लें, स्पेशली छोटे ताजिरों को। बड़े ताजिरों का तो वो तो चल रहा है, वो तो ऑनलाइन वगैरह कोई मसला ही नहीं है, उन्होंने तो लाखों करोड़ों कमाए हुए हैं। अगर वो एक महीने में 2 लाख रुपये खर्च कर देंगे, उसके लिए छोटा ताजिर जो 1 लाख रुपये से हमारा बिजनेस यूज़ के काम के लिए कर रहा है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा मेहरबानी करके आप इन छोटे ताजिरों का एतमाद में लेके कोई छोटा मोटा काम करने की इनका इजाज़त दें, मुख्तसर टाइम के लिए दे दें। जी असां इन वक्त मजदूर इतिहाद नवाब शाह जो सदर हनीफ लाखो मौजूद है, इनसा गालबुल कनासी मजदूरन के हवाले से, मजदूरन जो आलमी डी है, तो मजदूरन सा केड़ा मसला है, खास तौर पर लॉकडाउन के करे मुख्तलिफ मजदूरन सा पंजी गालबुल भी थी है, पर खुद इतने इन जिले के अंदर मजदूरन के केड़ा हक मिलन था, मजदूरन के कड़ी सहूलतू मिले हैं, या वरी लॉकडाउन के दौरान सरकार का मजदूरन की सार लधी है। तो बुधा तो पोरेतन जो आलमी डी है, लेबर डे आ, तो इन जिले में तुम मजदूरन जो अगवान आयो, तो लगे तो जो मजदूरन जो हक जो आयन कानून में डनल वे इतने मिलन पे मजदूरन। कोरोना वबा हल पी थी, इन में समझा तो अ 40 डी है तो मजदूर लॉकडाउन लगा पाया, हालांकि मजदूरन की पैर ही अड़ी हालत हुई जो उनकी उजरत मिले पी उनमें फाका कशी मजबूर हुआ। लॉकडाउन के दौरान सिंध सरकार जो ऐलान किया तो मजदूरन के असो रिलीफ दींदी या राशन दींदी जो भी सिस्टम है, इन मल तई समझा तो मजदूर के 20% अटे में लूण बराबर उनको न मिली सको है, और जिन मूँ के राशन मिलो है बिन का 3 दिन जो 40 दिन गुजरी वो भी फाका कशी से मजबूर आन। बाकी जो मजदूर जिनके राशन मिलो ही ना है, अलग केतरा जो मजदूर दुनिया लेवल से बुध पाया, नवाब शाह लेवल से भी तकरीबन 4 से 5 मूँ खुदकुशी कई है। तो मैं गवर्नमेंट के अपील तो क्या तो तेल रिलीफ प्रोग्राम ऐ जो राशन बो टो ये पूरा तो को दियो न। मुझी अपील है गवर्नमेंट के खुदारा खुदा के वास्ते तेल तीन का एकड़ी शे भी कंप्लीट दिनी है, तुम पानी कंप्लीट नई सौ कद पानी इन्हें कंप्लीट न दीनों, राशन तो राशन कंप्लीट न दीनों, तुम सेहत कंप्लीट न दीनी है, अस्पताल में OPD सी के अंदर एमरजेंसी में का गोरी दवा का टिक्की को मिले। हर साल असो आवाज़ उथारींदा आई जो सो आलमी दिहाड़े से मजदूर जो शगाग के मजदूर के असा सलाम पेश कंदा हिंसर भी असरंदी इन शाह तला उनके सलाम पेश कंदी उनकी मेहनत उनकी जिदोजहद उनके सलाम क्या तो वफाक हो सिंध हो उनके अपील तो क्या खुदारा मजदूर जो मजदूर के हक दिना वन। हालांकि जो बारे मुल्क में तक जितनी खैरात मिली है जो सही नमूने से वह विरस्त थी तो इन टाइम तो मजदूर दुख्य मरहले में न अची आए हिंसर भी वक्त तो मजदूरन से हक कर इंसाफ कर न बुधा तो चैलेंज तो क्या तो हे जो मजदूर जो कोरोना वायरस की वबा है इनकी वही टी वबा उभरणी है जैके जैके इनकलाब चवंदा यो वो इनकलाब आ या वह वबा है जो कोरोना वायरस नजर नी अचे तह नजर भी इंदी और सब पाँचा हक वी जै तख्तन से वेठा आन तख्तन तक लाइंदी और जो पो खबर पवी छो जो तारीख तारीख माजी में तीन तो हमेशा मजदूर हक वे जैमें निकता तो उन्होंने गाल मंजरियन इन कर खुदा रहा उनके अपील तो क्या मेहरबानी कर मजदूर से हक किया वन इंसाफ किया वे। रमज़ान शरीफ है बाबरकत महीनो है इन महीने के अंदर मजदूर बेचारा कि रोज़ा कि रोजन का अग में ही फाका कशी थन। अच्छा एक शे ठीक है, एक तो लॉकडाउन के कर मजदूर जो है परेशान है, बल्कि अस हूँ भी मजदूर आम दिन में भी मजदूर के उजरत थी मिले न उनके उ सहूलतूँ या उसे आइनी कानून में हक दिनल उ मजदूर के मिलन था, खुद मजदूर के खबर कान तो उन्होंने हक कड़ा आन। तो इन सदे मामले में इन वक्त जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन जो कम है उन हुकूमत पाबंदी हटाई है, उत जो मजदूर कम पे कन उन्होंने भी वो जो भी घर का बहर निकरे तो वो कोरोना के रिस्क फैक्टर में अचे तो वो मजदूर के जाहिर जो ग्लव्स पाइन तो कम को मास्क भी को हों के इन सूरत हाल में तेजे मजदूर के केतरी अवेयरनेस दिनी है तो जी भी मजदूर जै मू के मजदूरी मिले थी तो वो घट में घट पान के महफूज करे बाहर निकरे।
असके इंतजामिया है डिप्टी कमिश्नर आ चेयरमैन आ वाइस चेयरमैन आ उनके बार बार असा है कल अस खड़न को मिल तीन अस अड़ी का को मास्क मिलो न को सैनिटाइजर मिलो का शे मजदूर के न मिली है जैसे रोड रस्तन के अंदर सोसाइटी के अंदर जन मानो फोटो सेल्फी चमकान के लिए दिन तो बिल्कुल उन्हें जरूर उन्हें दिन होंद कें मजदूर के डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल किया बिल्कुल इस्तेमाल किया है तो इंतजामिया के अपील तो क्या नवाब शाह के अंदर असा मालिक नवाब शाह आदि फरियाल टाल पर आदि अजरा आ जालंजार साहब आए चौधरी तारक साहब आए जी भी आए इन मेल तीन कें भी सोशल या मजदूर अगवान जो उनके एकड़ी काल भी उन्होंने कई थी तो अचो तेड़ा मसला भला जो तो कुछ उनका पहुंची सके तो इन्होंने चवण तो असा वो आशे पूरी कंप्लीट न मिली है वाइस चेयरमैन आ खान बहादुर भट्टी साहब वो चे तो 200 बैग विराया 1200 मूँ तो 200 बैग छो विराया बया मजदूर कैदे वा वो चे तो पे खीसे में दिना खीसे में कुछ मां बैग दिना मां उनके चवान तो भा तू कड़ो गरीब है कड़ो मिस्किन है तोड़ो सुनो मौको मिलो है इन टाइम तो तू जो तू हीरो तू लीडर थी वन जो मजदूर को घो कुछ तो को घुरन समझे रोटी कपड़ो मकान तो परे थी अस कपड़ो भी कोन खपे मकान भी कोन घट में रोटी तो दियोन घट में घट तक राशन तो दियोन मजदूर के वो भी देने तैयार को जी अस इन वक्त नवाब शाह की ताज कॉलोनी में मौजूद आयु इन कॉलोनी में जो मजदूर तबको है वो तमाम घणो रहे तो नवाब शाह जी इनके पा कच्ची आबादी भी चे सकूँ था इन में अक्सरियत उहे माण्हू आहिनि जेके या त ॾिहाड़ी वारी मज़दूरी कनि था या वरी रेड़ी गाॾो हलाए रिक्शा या वरी गॾु गाॾो हलाए मक़सदु आहे त नंढो को बि कमकार करे पोरियो करे पंहिंजो घर बार हलाईंदा आहिनि ऐं उन्हनि में हिन वक़्तु उहे बि तमामु घणो परेशान असां गॾु मज़दूर मौजूदु आहे उन सां ॻाल्हि कंदासीं साईं त ॿुधायो त ज़ाहिर आहे लॉकडाउन जे करे तव्हां बेरोज़गार थी घरनि में वेठा आहियो ऐं वॾी परेशानी खे मोह ॾियो पिया त सरकारि जेका दावा करे थी त असां राशन बि ॾियूं पिया असां मज़दूरनि खे पैसा बि ॾिना आहिनि त तव्हांजो हीउ सॼो इलाइक़ो अक्सरियत मज़दूरनि जो आहे त उन इन हवाले सां को वाक़ई हुकूमत जी दावा सची आहे हिते तात्कालीन जे अंदरि त अहिड़ी तक़रीबन तात्कालीन में 40 ॾींहं थिया आहिनि लॉकडाउन लॻा पिया आहिनि मज़दूर माण्हू ग़रीब माण्हू सफ़ा परेशान थियो पिया आहिनि हिते कंहिं बि नुमाइंदे अॻवाणी न कई आहे अगरि जेकॾहिं कई अथनि त पंहिंजनि जी कई अथनि पंहिंजे रिश्तेदारनि जी दोस्तनि जी ऐं बिरादरी जी उन्हनि कंहिं मज़दूरनि खे हिते कंहिं बि न आहे पुछियो मज़दूर जेको बि आहे मिसकिन ग़रीब परेशान इंतिहा परेशान आहे असां गोर्मेंट खे अपील था कयूं त महिरबानी करे जेके ग़रीब मिसकिन माण्हू आहिनि उन्हनि जी वहार कयो इहे तव्हांजा वॉन्टर आहे जेके तव्हांखे वॉन्ट ॾेई न ऐवाननि ताईं इन्हनि ऑफिसनि ताईं इन्हनि में तव्हांखे पहुचायो आहे उन्हनि खे तव्हां अहिड़ी बुख बदहाली में यादि ई न कयो आहे हिते कंहिं चकर बि न आया वार्ड नंबर 24 जो काउंसलर आहे अख़्तर रहंदो वार्ड नंबर 25 जो काउंसलर आहे ख़ान बहादुर भट्टी साहब जेको वाइस चेयरमैन आहे लेकिन कुझु बि न आहे सिर्फ़ु फोटू सेक्शन में पुराण फोटू कढई हलिया विया आहिनि का बि मज़दूरनि जी वार न थिया ऐं मां नंबर ॿियो त शिकागे जे मज़दूरनि खे सुर्ख सलाम आहे जेके मज़दूरनि जे हक़ में हुननि नारो हयो ऐं पंहिंजी जिदोजहद करे मज़दूरनि खे 8 कलाक ॾिनई ऐं मज़दूरनि जी उजरत खे जेको सो वधायो वियो हो उन्हनि खे मां सलाम थो कयां सुर्ख सलाम पेश थो कयां जी व्यूअर्स असां प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल पिया कयूं लेबर डे जे हवाले सां पोरतनि जो आलमी ॾींहुं आहे ऐं उनमें लॉकडाउन जे करे बि सभ खां वधीक पोरे तबिको ई मुतासिर थियो आहे इन ते ई असांजी ॻाल्हि ॿोल जारी रहंदी ब्रेक जो वक़्तु ब्रेक खां पोइ वरी मिलूं था प्रोग्राम में एक भेरो बीहर भलीकार नाज़रीन प्रोग्राम में इन वक्त असांखे सीनियर सहाफ़ी साले बिलू साहब जॉइन कयो आहे साले बिलू साहब तमामु सीनियर सहाफ़ी बि आहिनि लेखक आहिनि ऐं इन हवाले सां उनजी तमामु हिकिड़ी पंहिंजी डिघी जदोजहद जी तारीख़ आहे त उन सां असां हिकु त जेको असां वटि पोरतनि खे जेके सिंध जे अंदरि मसला आहिनि उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पोरतनि जो ॼालमी ॾींहुं आहे उहो मल्हाए पियो वञे त छा उन ॾींहं जे मल्हाइजण सां असांजे मज़दूरनि खे उहे हक़ मिली सघिया आहिनि या उन्हनि मज़दूरनि में उहा एतिरी जागिरता अची चुकी आहे जो पंहिंजे हक़नि खां वाक़ुफ़ु हुजनि या हिन वक़्तु मौजूदा सूरत हाल में जॾहिं लॉकडाउन आहे त मज़दूर जिन तकलीफ़ुनि खे मुंहुं पिया ॾियनि त इन हवाले सां हुकूमत खे छा करणु घुरिजे इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं बिल साहब वरी महिरबानी इहे हर साल पहिरीं मई ते पोरतनि जो आलमी ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे त तव्हां छा था सम्झो त उन जो ज़ाहिर आहे हिकिड़ो उनजो हिकिड़ी तारीख़ आहे शिकागो जे शहीदनि जी उनजी यादि में मल्हाइबो आहे त जीअं सॼी दुनिया जे मज़दूरनि खे ख़बर पवे त उन जा हक़ छा आहिनि ऐं हक़ उहे कहिड़े नमूने सां वठिबा आहिनि त तव्हां हिन ॾींहं जे हवाले सां छा चवंदो ऐं ॿियो त सिंध जे अंदरि तव्हां पोरतनि जी हालति कीअं पिया ॾिसो मां सम्झां थो त पहिरियों ई साल आहे जंहिंमें जेको पोरत पंहिंजो सही माना में पंहिंजो ॾींहुं मल्हाए न सघिया आहिनि न सिर्फ़ु हिते पर के आलमी तौर ते बि न मल्हाए सघिया आहिनि
छाकाणि त पोरियत असल बुनियादु आहे। कंहिं बि मुल्क जो बुनियादु पोरियत आहे। उनजे हथनि खां उनजी महिनत खां सवाइ का शइ जुड़िजी न थी सघे। ऐं जॾहिं पोरियत पंहिंजे हक़नि लाइ जदोजहद कई, शिकागो में पंहिंजो खून जो रतु ॾिनो हो, ऐं उन्हनि जेको 8 कलाक टाइम मुक़ररु कयो, इहा ॿी ॻाल्हि आहे त किथे उहो 8 कलाक उन्हनि खे मिलनि था या नथा मिलनि। हाणे जेको बुनियादी मसइलो जेको हाणे थियो आहे, उहो वॾो ख़तरनाक थियो आहे। हीअ जेको कोरोना वायरस जेको आहे, इहो इन जो असरु पोरियतनि जे रोज़गार ते थियो आहे। छाकाणि त पोरियत जेके इहे पोरियत उहे पोरियत आहिनि जिन्हनि जो कमु न को मुक़ररु तारीख़नि सां आहे या जेका पघारनि सां बि कोन्हे को। इन्हनि जो आहे डेली वेजिस ते। जेकॾहिं डेली वेजिस ते कमु हूंदा त हिननि जा बि कमु थींदा, जेकॾहिं डेली वेजिस ते कमु न हूंदा त हिन जो कमु न थींदो ऐं बुख मरंदा। असां ॾिसंदासीं, जेकॾहिं असां रुगो पंहिंजी सिंध खे ॾिसंदासीं त कराची में जेके बिल्डिंगूं ठहियूं पिए उहे सभु उते कमु बंदि आहे। ऐं जेके अंदरूनी सिंध जा जेके पोरियत उते कम लाइ विया, मज़दूर लाइ विया, सभु मोटी पंहिंजे माॻनि ते अची विया आहिनि। हाणे सुवालु रहियो हुयो त हाणे उन्हनि खे जेका मदद करण या उन ताईं रसाई करण जो न त इमरान खान करे सघियो आहे असां प्रोग्राम तक, न वरी सिंध गवर्नमेंट करे सघे आहे। हिते जेके अरबन जा ऐलान कया विया त असां कटा ॾिनासीं, भई कटनि में तव्हां छा था ॾियो? 10 किलो अटो था ॾियो, 2 किलो खंडु था ॾियो, 1 किलो जेको चांवर था ॾियो, ऐं अहिड़े नमूने सां गिहु था ॾियो। इहो त खुराक त कान्हे। असली शइ आहे त जेको उन्हनि जो ख़र्चु अचे थो, उहो ख़र्चु उन खे मिले थो या नथो मिले। हींअर असूलनि जेके आहे त हर शइ खे सस्तो कयो वञे आहे, हर शइ खे। पर हिते हर शइ खे सस्तो करण जे बजाए वेंदे भाॼियुनि खे बि महांगो कयो आहे। भाॼियुनि खे महांगो इन करे कयो अथो न जेको हिते जो कोल्ड स्टोर कोन्हनि खे, ऐं उनजो नुक़सानु कंहिंखे पियो आहे? वरी बि हारी खे पियो आहे, वरी बि पोरियत खे पियो आहे। जेके महिनत करे हिकिड़ी शइ पैदा कनि था, उन्हनि खे उहो अघु कोन थो मिले। बिल्कुलु साहिबु, हिकिड़ी शइ त मसला त आहिनि पोरियतनि सां जेके बि आहिनि सॼी ॻाल्हि, त तव्हांखे छा थो लॻे त असांजो जेको पोरियत आहे उनखे ख़बर आहे पंहिंजे हक़नि जी? उनखे ख़बर आहे त उनखे कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं मिलणु खपनि? उनखे ख़बर आहे, छाकाणि त उनजी जेकॾहिं जेका सरकारी ॾियारी बि ॿधूं था त उहा बि उनखे कोन थी मिले। पर पोरियत बि मजबूर आहे, जेकॾहिं उन सरकारी ॾियारी ते वेंदो त अॻियां केरु कमु कोन थो ॾिए, पोइ नतीजे में हुनखे तमामु घटि ॾियारी ते उजरत ते कमु करिणो थो पए। त ख़ुदि माना तव्हां सम्झो था त पाण जेको पोरियत आहे उहो पंहिंजे हक़नि जे हवाले सां किथे बीठल आहे? मां सम्झां थो त जेकॾहिं असां चवंदासीं पोरियत खे सभु ख़बर आहे, ग़लति थींदो। उनखे ख़बर ई कान्हे का। छाकाणि त जेकॾहिं पहिरीं मई मल्हाई बि वेंदी आहे, शहरनि में मल्हाई वेंदी आहे, ऐं सनती इलाइक़ा जिते हूंदा आहिनि उते जेके पोरियत ईंदा आहिनि। बाक़ी जेके अदरवाइज़ जेको असांजो पोरियत जी अक्सरियत जेकी आबादी आहे बराड़ी आहे, उनखे त ख़बर ई कान्हे। उन्हनि खे इहा ख़बर कान्हे त पहिरीं मई जो ॾींहुं आहे कहिड़ो, छा आहे। उन्हनि खे इहो आहे त भई मूंखे रोज़गार मिले, या जेकॾहिं मिसाल ॻाल्हि कणिक जी मौसमु आहे त उहो पंहिंजी कटाई में पूरो हूंदो आहे, जेकॾहिं ॿी मौसम हूंदो आहे पंहिंजे फसल पोखाइजी में पूरो हूंदो आहे। उनखे इन ॾींहं जी ख़बर कान हूंदी आहे। हीअ ॾींहुं हूंदो आहे शऊर ॾियण सां, ऐं उहो शऊर ॾियण वारा सघ जेका हुई उहा असां वटि ख़तमु थींदी थी वञे। उहो कारकुन ई ख़तमु थींदा था वञनि जेके पोरियत ताईं पहुचंदा हुआ ऐं उन्हनि खे पंहिंजा हक़नि बाबति ॿुधाईंदा हुआ। पर जॾहिं बि पोरियतनि खे इन शइ जी सही माना में ख़बर पई, जॾहिं पई त मां भाए थो जीअं शिकागो में थियो ईअं ई हिते थींदो। इन में जेको शौर ॾियण जो या हक़नि जे लाइ आवाज़ु उथारण जो जेको वॾो जेको इनजी वॾी जेका ज़िमेवारी थिए थी उहा मज़दूर यूनियंस जी थिए थी, उहे जेके इन जूं तनज़ीमूं थियनि थियूं, उन्हनि जो किरदारु कीअं पिया ॾिसो? तव्हांखे लॻे थो त उन्हनि जो उहे सही माना में पंहिंजो किरदारु अदा कनि पिया, या उते जेके वेठल अॻुवाण आहिनि उहे हाणे पाण चौधराट जो मुज़ाहिरो कनि पिया, पंहिंजा कमु कनि पिया, बाक़ी मज़दूरनि जे नाले खे इस्तेमालु पिया कनि? मां भायां थो त जेका शइ असां चयूं था यूनियन जे मक़सदु लाइ यूनियनूं ठहियूं, उहे यूनियनूं कोन्हनि खे। यूनियनूं असांजो कारोबारी वारे बणिजी विया आहिनि, उहे रुगो पंहिंजा मुफ़ाद पूरा था कनि। ऐं हींअर मिसाल ॻाल्हि मां नंढिड़ो मिसाल थो ॾियां, यूटिलिटी स्टोर हालांकि गोर्मेंट जा आहिनि, उहे माना घटि रेट ते जेतिरो सामान ॾियनि था, उन टाइम जेकॾहिं ऐलान कजे त साईं असां हड़ताल था कयूं, असां यूनियन पंहिंजो यूटिलिटी स्टोर बंदि था कयूं। भई तव्हांखे हिन टाइम जॾहिं असां चऊं था हर माण्हू खे मदद करणु खपे, हुकुमरान खे करणु खपे, हिकु ॿिए जी असांखे मदद करणु खपे, हिकु ॿिए जी मदद सां ई जी सघंदासीं नी, त उन टाइम तव्हां अहिड़े क़िस्म जा मुतालबा कयो, इहे त सही कोन था लॻनि। बाक़ी रही ॻाल्हि इहा त जेके यूनियनूं
जेके भी यूनियन आन चाहे उस्तादन जो हुजन चाहे बेन जो हुजन चाहे टेन जो हुजन उन मकसद से कम ही कोन थी कन जेकर उन मकसद से कम करना तो मां समझा तो असा इनकलाब के घणो वेझो हो पर इतने जो अचन था वो पाँ मुफाद ला कम कन था जैसे नतीजे में उन मखसूस टोले के ही खबर आ तो यूनियन है यूनियन जो मकसद है मसला मसलन मसला कें था थन इो है आखिर में बुधा तो एक तो मजदूर के हक न पाया मिलन या जो मजदूर से मसला उन में सब का वही रुकावट खुद सरमाएदार है असो निज़ाम ही सरमाएदारण है सरमाएदार पोरियत के चिभाटे पाँगी बिल्डिंग ठाई आई रियासत के अंदर भी पा ऐसी जो अहम अहदा उन तक यही या तो ये सीधी रीत सरमाएदार नजर इंदा न तो वही सरमाएदार जहाँ मानू नजर इंदा यूनियन की यह हालत जो तुम पा बुधा तो उनको कम ही कोन थन जी उन्होंने तो इन सारी कंडीशन में सिंधु जो पोरियत कड़े नमूने से पाँ हक वे कड़े नमूने से पी जदोजहद करें सही अस निज़ाम एक जागीरदारी बो सरमाएदारी जेकर असा दिसंदासी ते नीम सरमाएदारी आ सरमाएदारी भी कोने को जागीरदारी भी जेका दिसंदासी वो सागे सागे तरीके से मौजूद आ हाँ जी शूँ था असूलन तो सरमाएदार यूनियन ठाद एंटी जागीरदार जागीरदार के खिलाफ हिते ये कोन पियो थे हिते ये पियो थे ते अड़ी यूनियन ठाण थी जी खुद सरमाएदार के फायदो दियन थी ए हर ओ शे रुकावट पैदा कन थी जी शे मजदूर के हकन में होंगी उन में रुकावट पैदा कन थ इो ही मसलो आ जो असते वून था अस वू ही कोन था सरमाएदार जो आँगी जगह से मौजू माने वेठो जी इन वक्त असो साथी रिपोर्टर एके डारी मौजूद है उनसा गालबोल क्यों था खास तौर से नवाबशाह ज़िले में पोरियतन की सूरत हाल है उन कड़ा मसला है तो एक सहाफ़ी की हैसियत से उन्होंने कें तो ऐसे थे कि यो मन समझो था पाँच ज़िले के अंदर पोरियतन से मुझे ख्याल में आन तो वे सागे मसला जो सारी सिंध में पर इतने खुसूस कड़ा मसला अस कुछ सनतू भी असटे दिहाड़ीदार मजदूर भी तमाम वोड़ो जो आबादी जो हिस्सों है वो पोरियतन से बदल है तो पोरियतन के कड़ा मसला है लॉकडाउन के दौरान हुकूमत कड़ो रिलीफ दिनों है गर्द बुधाई हलान तो खास तौर से अस लॉकडाउन की सूरत उन अवल ही जो पोरियतन के हकन से इतने धाड़ा हया वा खास तौर से पोरियतन के उनकी अजरत न दिनी वही अस खास तौर से नवाबशाह ज़िले के दिखो वे तो काफ़ी हद तक पर नवाबशाह शहर की सिचुएशन बुधाइंदुस तो हकानी टाउन और वो इलाको आ उत 98% जन पोरियत तबको जो हिंसर लॉकडाउन की सूरत हाल के घर तीन महदूद थे फाकाकशी जिंदगी गुजारण से मजबूर थन हिंसर बो वरी खास तौर से पोरियत तबको ताज कॉलोनी ताज आदम कॉलोनी इो इलाको बो मनवाबाद साइड ऐसा मनवाबाद लाइन पार्क ऐसा जाम साहब रोड आ सागर रोड आ कई एतरा इलाका जैसे नवाबशाह में खास तौर से पोरियत तबको आते रुगो पोरियतन दिहाड़ीदार कमाइन था रोज़ खाइन रोज़ कम जो गुजर सफर कन पर हि जो लॉकडाउन सूरत हाल थे तो उन हवा से जिले इंतजाम तरफा एक कमेटी जोड़ी वही जैमें उन्हें राशन की तकसीम के हवा से 100 बैग जन यूसी सतह से दिना वन पा तो यूसी वार्ड सतह से वार्ड सतह से अगर दिनों वाले तो 100 बैग पूरा ना अचन जो तकरीबन 500-600 माना हर वार्ड में पोरियत तबको गरीब तबको है जैसे माना दिनों उन में काफ़ी रहजी वह अगर काउंसलर कमेटी तरफा जो लिस्टू ठाई वही उन में भी काफ़ी हद तक मनपसंद मानू के दिनों उ शिकायतों से मिलियों और राशन के हवा से काफ़ी हद तक मिलो राशन भी जो रेट या जो उनको बुधा वो तो एतरे जो माना है उन में भी तकरीबन घट आई जर 1800 जो सरकारी रेट बुधाइन पा तो उत 1100 जो उनमें सामान दिनों वह उन में भी गोभी हुई हुई उन में भी उन्हें हकन से धाड़ो हयो वो हिंसर जो मजदूर तबको ढो परेशान आई वो सिर्फ सिर्फ उनकी निगाहूँ सूबाई हुकूमत तौर वफाकी हुकूमत तौर खास तौर से हिंसर एहसास किफालत तहत जो 12,000 प्रोग्राम तहत रकम दिनी पे गरीब बेपोच मानू में उन्हें में तकरीबन जो 60% जो रेशो उन में उन माना वह रकम न मिली है उन में भी काफ़ी मुतासर एक तो राशन के हवा से बो जो उनके मजदूरी तब न पी मिले या मजदूरी कम वगैरह जिते घुराया न पो वे अस नवाबशाह शहर में जो जिले इंतजाम तरफा पता कदम खड़ू था खास तौर पर घने में घणों को मुतासर असो पोरियत तबको आ मजदूर तबको आई उही जो इन मल तई जिले इंतजाम की जद में जो उन हिंसर जै भी गरीब से हथ खणे थी पुलिस भी तंग घणों कदर उन्हें दी कर इंतजाम आ उन्हें दी तंग कर सरमाएदार तबको वो पाँच सरमाए हिंसर भी करें दुखे महल में भी जो सिर्फ सिर्फ पाँच इनके ऐसन पा तो बिजनेस कें क्यों कारोबार क्यों पाँ पान के कें माना अं अपग्रेड क्यों उ नोचन इन महल ये जी करोना वबा
आलमगीर वबा है उनमें घणो मुतासर तबको है उन मदद करण बदर है उनको हिंसर उन जख्मन से मलम रखने के बदर उनके लूण से माना रड़े रहा तो खास तौर से तकलीफ पहुंचे खास तौर से फाका कशी जिंदगी कर हिं गरीब तबको इं न थे जर लॉकडाउन लगो थो तो घना मू लॉकडाउन के टोड़ींदा भी रोडन का बहर निकरी उन खिलाफ वर्जी भी मतलब जाहिर है तो तबको एतो तंग पाया हालतू खराब थी सी जाहिर है सूरत नजर पे अचे नाजरीन तो उन लिहाज से न सिर्फ पोरे तबको पर हाँ जड़े नमूने से प्रोलॉन्ग थो है लॉकडाउन तो सफेद पोश हैं उ परेशान थी वह यकीन जहाँ हालत है वह ढी खराब है नाजरीन असो के प्रोग्राम में भेटा पेश कई सी शिकागो के शहीदन के पेरी मई से पोरेतन जो आलमी ढी हुए तो असो के प्रोग्राम में पोरेतन से मसला उनते गाल बोल कई सी पोरेत जिन वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल में जो भोगे रहा है उन हवाले से तक अपडेट कियासी यकीन पोरे तबको अस तमाम जो है सो अहमियत जो हामिल है अस सजी रियासत है ये सजो जो समाज है असो वो पोरेत के कुलन से बीठल है जैसे पोरेत मजबूत न हों तो यकीन वो समाज भी कमजोर थी वो सजे मामले में जिते पोरेत मेहनत करे तो पोरेत जो ही पघर वहे तो पोरेत जो ही रत वह है पर उत उन फायद जागीरदार सरमाएदार वा नतीजे तौर पोरेत जो है वो अज तई गरीब है सरमाएदार जागीरदार ढीहों ढी अमीर का अमीर तर थी पो तो वे इन सजे मामले में यकीन पोरेतन के हक मिलन घुर्जन पोरेतन के पा इन हवाले से किरदार अदा करो पव पी जदोजहद करनी पवी जी पोरेतन जो यूनियंस उन्होंने हकीकी यूनियन तौर से थी करो कम करो पव जाती मुफादन का हटी कर यूनियन ज अगुआन उ पोरेतन के हकीकी मसलन के लिए अगत तद ही पोरेतन के मसला पोरेतन जहा हल थन्दा पोरेत जी मुझे पे तो उ तबको है जैसे कुलन से ही सजो समाज बीठल है पोरेत ही बिल्डिंगू ठाए तो पोरेत ही सजी दुनिया के तरक्की तरफ उठी वो है पर हालत यह है तो पोरेत अज पा अं तई तरक्की पजीर है अज तई भी पोरेत बिन वेलन की मानी लाइ परेशान है आखिर में ही ब सिटू आज पोरेत लाए चई कर इजाजत वुस तो सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछा कर सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछा कर मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता अल्लाह।